सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार, जिसका एक भेद है लाटानुप्रास। अनुप्रास हम कर चुके हैं। अनुप्रास अलंकार होता है वर्ण साम्यम अनुप्रास, जहाँ वर्णों की समानता हो। वर्ण का मतलब है व्यंजन। जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजनों की समानता होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जिसके लिए कहा गया था रस आदि अनुगत प्रकृष्टो न्यास अनुप्रास। जहाँ पे रस के अनुरूप वर्णों की संयोजना की जाती है, रस के अनुरूप वर्णों की ऐसी प्रतिष्ठ सन्निवेश किया जाता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन जो हम लाटानुप्रास पढ़ रहे हैं, वहां पे वर्णों की समानता का अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। तो क्या है, देखिए परिभाषा देखते हैं। शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्प्रिय मात्रतः। यहाँ पे क्या है, तात्प्रिय मात्रतः, तात्प्रिय मात्र भेदे, भेद होने पर यहाँ पर जो शब्द होगा या उनका जो अर्थ निकलेगा उनमें अंतर नहीं होगा, केवल तात्प्रिय में भेद आएगा। तो तात्प्रिय मात्र भेद होने पर शब्दस्तु लाटानुप्रास, जो ये शब्दानुप्रास है वो लाटानुप्रास कहलाता है। जहां पर केवल तात्प्रिय मात्र का भेद होता है वो लाटानुप्रास होता है। शब्दगत अनुप्रास, शब्दगत अनुप्रास शब्द अर्थयो अभेदे अपि अन्वय मात्र भेदात। जहां पर शब्द और अर्थ में अभेद होते हुए, वहां पर शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं होगा, उसके अभेद होने पर भी अन्वय मात्र भेदात, केवल अन्वय मात्र भेद होगा, केवल तात्पर्य का भेद होगा, वहां लाटानुप्रास होता है। और जो लाट प्रदेश है उनके लोगों का ये प्रिय अलंकार है, इसलिए इसका नाम जो है लाटानुप्रास रखा गया या लाटानुप्रास पड़ा। लाट जन वल्लभ तवात च लाटानुप्रास, कि जो वहां के प्रदेश के, लाट प्रदेश के जो जन है उनका प्रिय अलंकार है, इसलिए उन्होंने इसका नाम लाटानुप्रास रखा। एष पदानुप्रास इति अने, अन्य लोग इसको, दूसरे लोग इसको पदानुप्रास भी कहते हैं। क्योंकि जब हम पहले अनुप्रास की परिभाषा पढ़ रहे थे, वह वर्णों की समानता की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ वर्णों की नहीं, पदों की समानता या पदों के ऊपर बात कही जाएगी, तो इसको पदानुप्रास भी कहते हैं, लाटानुप्रास भी कहते हैं इसको, शब्दानुप्रास भी कहते हैं और पदानुप्रास भी कहते हैं। और इसके भी पांच भेद होते हैं लाटानुप्रास के, लाटानुप्रास ये पांच प्रकार का होता है। कैसे होता है, सबसे पहला है पदानाम सह, पदों में वह, सह का यहाँ क्या अर्थ है, सह प्रयुक्त हुआ है लाटानुप्रास के लिए, जो सह शब्द है ये लाटानुप्रास के लिए है। पदानाम सह और पदों में वह, अर्थात लाटानुप्रास कहाँ होता है, पदों में, अनेक पदों में जब प्रयोग किया जाता है तो वहां लाटानुप्रास होता है। उदाहरण से देखते हैं, यस्य न स विधे दयिता दव दहन तुहीन दी दीति तस्या, यस्य न स विधे दयिता दव दहन तुहीन दी दीदिति तस्या। अब देखिए यहाँ कितना अंतर है, केवल एक पद का, यहाँ पे न, यहाँ पे जय, बाकी सभी पद जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। यस्य न सविधे दयिता तव दहन तुहिन दी दीदिति तस्य, ये कहना क्या चाह रहा है, यस्य जिसके, न नहीं है, सविधे समीप, दयिता प्रेमिका पत्नी, कि जिसके समीप उनकी प्रेमिका या पत्नी नहीं है। दव दहन, दव दहन दावानल है, कौन है दावानल, तुहिन दी दीदिति, यानी कि ये शब्द है चंद्रमा के लिए, जो चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक होता है, तस्य उनके लिए ये चंद्रमा भी दव दहन दावानल बन गया, यानी कि संताप का कारण बन गया, संताप जनक हो गया। जिनके पास उनकी दयिता नहीं है उनके लिए ये शीतल चंद्रमा भी दावानल बन गया है। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, यस्य च सविधे दयिता, और जिसके पास दयिता है, जिसके समीप दयिता है, तो दव दहन, दव दहन क्या, वो दावानल तुहिन दी दीदिति तस्या, उनके लिए वो क्या हो गया, वो दावा नल भी चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला बन गया है। तो यहाँ पे बात क्या है कि देखिए सभी पद एक जैसे, केवल न और च को छोड़ के, और यहाँ पे अर्थ में भी परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थ वही है, यस्य का, सविधे का, दयिता का, दव दहन का, तुहिन दी दीदिति, इनके अर्थ वही है, ना तो शब्दों में अंतर आया ना ही अर्थ में अंतर आया। तो यहाँ अंतर किस में आया, अंतर केवल तात्पर्य में आया। कैसे आया, जब पहली लाइन देखते हैं हम कि जिसके पास दयिता नहीं है उसके लिए जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा जो है वो क्या बन जाता है, दव दहन दावानल के समान हो जाता है।
तो यहाँ पे जो ये शब्द है हमारा चंद्रमा, ये हमारा उद्देश्य है। और जो दव दहन है ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। और दूसरी लाइन जब करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जिसके पास दयिता है तो दावानल भी शीतलता प्रदान करने वाला हो जाता है, दावानल प्रणीत होता है। तो जो दव दहन है ये हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। और जो ये है तुहिं दिदिति, ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। तो यहाँ पे उद्देश्य और विधेय जो होता है उसमें अंतर आता है। यहाँ पे क्या है, पदानाम यानी कि एक में नहीं अनेक पदों में जब दिखाई देता है तो, और किसके माध्यम से, उद्देश्य और विधेय, केवल तात्पर्य मात्र। देखिए शब्द भी वही है, अर्थ भी वही है, केवल तात्पर्य मात्र भेद यहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये लाटानुप्रास है और लाटानुप्रास में भी अनेक पदों की यहाँ बात हो रही है। फिर अगला है पदस्य अपि, पद में भी, पद का भी, पदस्य यानी कि एक पद, यहाँ पे तो पदानाम था बहुत सारे पद, बहुवचन में था, ये एक वचन में तो एक पद। और अपि क्या कह रहा है, अपि स के लिए कह रहा है कि एक पद में भी वही वही अर्थात स क्या था, लाटानुप्रास, एक पद में भी लाटानुप्रास होता है। ये अनेक पदों में था, ये एक पद में है। उदाहरण देखते हैं इसका, वदनम वरवर्ण्या तस्याः सत्यं सुधाकरः, सुधाकरः कव न पुण्यः कलंक विकलो भवेत। ये क्या कह रहा है, वदनम मुख, किसका मुख, वरवर्णिनी, वरवर्णिनी का मुख, तस्याः उसका, सत्यम सत्य है, सुधाकरः चंद्रमा है, कि जो वरवर्णिनी है उसका मुख, ये बात सत्य है कि वो चंद्रमा है। और कहना ये भी जा रहा है कि चंद्रमा से भी ज्यादा शोभा वाला है। क्यों, सुधाकरः जो चंद्रमा है, कवा न पुण्य कलंक विकलो भवेत, कहां पर वो कलंक से रहित होता है, जो चंद्रमा है उसमें कलंक रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मुख है वो इतना सुंदर है, उसके ऊपर तो कोई भी दाग कोई कलंक कुछ है ही नहीं, यानी कि वो चंद्रमा की शोभा से भी ज्यादा शोभायमान है। तो जब यहाँ पे क्या है, एक ही पद है जो एक दूसरे में समान है, सुधाकरः, ये एक ऐसा पद है जो दोनों जगह आया है। जो पहले वाले में तो सभी बराबर थे और उनमें से दो हमारे ये मुख्य थे, अनेक पदों की बात हो रही थी, यहाँ पे एक पद की बात है। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो उद्देश्य है वो क्या है, मुख है, जो वर वर्णिनी है उसका मुख है, तो ये उद्देश्य है यहाँ पे। और सुधाकरः क्या हो गया, ये विधेय हो गया। और जबकि यहाँ पे चंद्रमा की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे सुधाकर जो है, सुधाकर कब कलंक से रहित होता है, तो ये जो है यहाँ पे उद्देश्य है। तात्पर्य मंत्र मात्र भेद है, क्योंकि अर्थ तो चंद्रमा का अर्थ यहां लिया गया और चंद्रमा ही अर्थ यहां लिया गया है, अर्थ में परिवर्तन नहीं है। पद एक जैसे है तो पद भी एक जैसे है और अर्थ भी एक जैसा है, परिवर्तन कहां हुआ है, भेद कहां पे आया है, वो तात्पर्य मात्र विधेय और उद्देश्य करके भेद आया है। ये क्या हो गया, एक पद में, पहले वाला था अनेक पदों में, ये एक पद में। अब उसके बाद आता है वृत्तो अन्यत्र तत्र वा नामना स वृति अवृत्योश्च। ये क्या कह रहा है, वृतो अन्यत्र, वृतो वृति में, वृति वृत्ति का मतलब है यहाँ पे समास, वृत्ति का क्या मतलब है, समास, समास में वृत्तो समास में अन्यत्र तत्रवा या उससे अन्यत्र, यानी कि भिन्न समास में, या तो क्या हो एक समास की बात हो या भिन्न भिन्न समास की बात हो। फिर नामना, नामना होता पद या प्रातिपदिक, सह वह लाटानुप्रास ही, वृत्य वृत्योश्च वृत्या वृत्योश्च वृत्ति, ठीक है ये वृत्ति यानी कि समास में, और अवृत्ति असमास में, समास और असमास, ये तीन बातें बता रहा है। पहली बात तो वृत्तौ, वृत्ति में यानी कि समास में, यानी कि एक जैसा समास होगा। फिर कह रहा है अन्यत्र तत्रवा और इससे अन्यत्र यानी कि भिन्न समास में। फिर कह रहा है वृत्त वृत्ति यानी कि समास में, अवृत्ति असमास में। यहाँ पे तो क्या होगा, एक ही समास होगा। दूसरी बात कह रहा है कि भिन्न भिन्न समास होगे। तीसरी बात कह रहा है, कि एक तो समास होगा और एक समास नहीं होगा अर्थात प्रातिपदिक होगा, और नामना प्रातिपदिक, प्रातिपदिक में ये बात होगी। जो लाटानुप्रास चल रहा है वो पदों में चल रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं, चाहे समास या असमास हो या भिन्न समास हो या समान समास हो, लेकिन वो मुख्यतः होगा कहाँ, प्रातिपदिक में। देख लेते हैं उदाहरण से, एकस्मिन समासे, या तो एक समास में,
भिन्न वा समास है या भिन्न समासों में, समास असमासियोर वा, या तो समास में या फिर असमास में अर्थात प्रातिपदिक में। नामनः प्रातिपदिकस्य न तु पदस्य सारूप्यम, ये क्या कह रहे हैं, नामनः प्रातिपदिक से नाम जो नाम होता है वो प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिकस्य न तु पदस्य सारूप्यम, वहां पे प्रातिपदिक में होगा, पद का स्वरूप नहीं है। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या था, पद के स्वरूप, यहाँ पे हम प्रातिपदिक को देखेंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं, एक उदाहरण है, इसमें तीन बातें पता चलेगी। सितकर कर रुचिर विभा, विभा करा कर धरणी धर कीर्ति, पौरुष कमला कमला सा अपि तवा एव अस्ति न अन्यस। यहाँ पे एक राजा के लिए कहा गया है, राजा को ही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, सितकर कर रुचिर विभा, विभा करा कर, विभा करा कर है सूर्य के समान तेजस्वी या प्रतापशाली, सूर्य के समान प्रतापशाली, धरणी धरह धरणी को धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला, राजा के लिए विशेषण है ये। सितकर कर रुचिर विभा, सितकर होता चंद्रमा और कर किरणें, चंद्रमा की किरणों के समान शोभा वाला, क्या क्या उपमा दे रहे हैं उसकी राजा की, एक तो सूर्य के समान प्रतापशाली है, चंद्रमा की किरणों के समान शुभ्र है और इस धरा को धारण करने वाला है, ऐसा राजा है। कीरति कीरति यश, पौरुष कमला प्राकर्म रूपी लक्ष्मी और कमला लक्ष्मी, सा अपि वह भी, तवा एव अस्ति वो तुम्हारे ही है, न अन्य से अन्य की नहीं, उस राजा को कह रहे कि आपके अंदर इतने गुण है। तो तीन बातें, कीरति यश पौरुष कमला और कमला, ये तीनों ही तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे लाटानुप्रास कैसे है, जो बात हो रही थी समास में, भिन्न समास में, समास और असमास में। सबसे पहले देखिए कर कर, सित कर कर, तो ये जो कर कर है ये समान है, उसके बाद विभा और विभा समान है, फिर कमला और कमला समान है। अब इनमें क्या है, जो कर और कर ये दो है, इनमें एक ही समास है, कर और कर में बहुव्रीहि समास है, तो एक समास की बात होगी। उसके बाद जो विभा और विभा है, इनमें दो समास का प्रयोग हुआ है, एक में बहुव्रीही है और एक में तत्पुरुष है। फिर उसके बाद में आता है कमला और कमला, जो देखने में एक जैसे हैं, कमला और कमला, ये पौरुष कमला है फिर कमला है, तो जो ये है पौरुष कमला, ये क्या है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय। और दूसरा जो कमला है वो प्रातिपदिक है, तो यहां पे बात क्या कह रहे थे, एकस्मिन समास, एक समास में, तो जो कर और कर है वो केवल उन दोनों में बहुव्रीही समास है, तो एक समास हो गया। फिर भिन्ने वा समास, भिन्न भिन्न समास में, विभा और विभा, एक में बहुव्रीही है एक में तत्पुरुष है, तो भिन्न भिन्न समास में हो गया। फिर कहते हैं कि समास और असमास में, यानी कि एक जगह समास होगा दूसरे में असमास अर्थात प्रातिपदिक होगा, तो कमला और कमला में एक कमला जो पौरुष कमला, इसमें कर्मधारय है, और दूसरा जो कमला शब्द उसमें वो प्रातिपदिक है असमास में है। तो कितने भेद हो गए इसके, पहला है पदानाम, अनेक पदों में, जब अनेक पदों की बात आती है तो ये एग्जाम्पल है अनेक पद, दूसरा है ये उदाहरण जो है हमारा एक पद में, और इसके बाद जो ये उदाहरण है ये तीन बातें कर रहा है, पहली कर रहा है समास में, दूसरी भिन्न समास में, और जो तीसरी बात कर रहा है वो समास और असमास में। तो टोटल कितने हो गए, पांच, यानी कि लाटानुप्रास जो है उसके पांच भेद है। एक बार देख लेते हैं फिर से, पहली बात तो लाटानुप्रास है ये अनुप्रास का एक भेद है, अनुप्रास जो है वहां पे वर्णों की समानता होती है, लेकिन लाटानुप्रास जो है वो वर्णों की समानता नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है, तात्पर्य मात्र भेद दिखाता है, जिसको पदानुप्रास भी कहते हैं, शब्दानुप्रास भी कहते हैं। शाब्दस्तु लाटानुप्रास भेदे तात्पर्य मात्रा, जहां पर तात्पर्य मात्र भेद होने पर लाटानुप्रास होता है। फिर इसके बाद में पांच प्रकार से होता है, पहला था पदों में अनेक पदों का वर्णन होता है, ये उदाहरण दे दिया, यहाँ पे ये है उद्देश्य और विधेय, इस तात्पर्य से यहाँ पे भेद आता है। दूसरा है एक पद में, एक पद में देने पे ये दे दिया, सुधाकर जो शब्द है सुधाकरा, यहाँ पर विधेय और उद्देश्य ये वाला भेद आ गया। फिर उसके बाद आता है तीन एक साथ दे दिए, जिसमें एक समास में, अनेक समास, भिन्न समास में, समास और असमास में इनका वर्णन किया गया है, ये हमारा हो गया लाटानुप्रास। धन्यवाद।